हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर प्रिंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामा, द सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंजीनियर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्क्वायर सिरप पार्ट टू। देखिए इंजीनियर्स, इससे पहले एक वीडियो हमारी आई थी बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के ऊपर, जिसमें मैंने अपने कंपनी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके दिखाया था आपको कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की। इस टॉपिक में मैं आपको स्क्वायर स्ट्रिप की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जो कि कोड बुक IS 2502963 के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए देखते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की, तो जाइए आप उसे वॉच करिए, इसके बाद इसको देखिए, स्क्वायर स्ट्रिप को, दोनों को कंपेयर करिए, इसके बाद आप देखिए कि किस कंपनी में, किस एरिया में, किसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। तो चलिए मैं इस टॉपिक को दिखाता हूँ आपको स्क्वायर स्ट्रिप्स के बारे में। तो देखिए, सेम चीज मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी, ताकि आप लोगों को एक बार फिर से मेमोराइज हो जाए इसमें, इसके बारे में, इस कोड बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में, पर मैं एक बार फिर से आपका रिविजन करना चाहता हूँ। देखिए, ये कोड बुक IS 2502963 पेज नंबर 13 पे है, जिसमें कि हम स्टीरअप्स के बारे में इसमें दिया हुआ, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टीरअप्स को। तो चलिए, यहाँ पे एक स्टीरअप्स दिया हुआ है जो कि 135 डिग्री पे बैंड है। ये जो पोर्शन हमारा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये हुक लेंथ होता है, ये हुक का लेंथ है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला दिया हुआ 2 into a + e + 24d। तो देखिए क्या होता है, ये जो है हमारा सेंटर टू सेंटर जो है ये लेंथ है, ये तो इस साइड भी ए होगा हमारा सेंटर टू सेंटर, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a, फिर प्लस ई जो हमारा है, ये जो हमारा की शॉर्टर स्पेन का डिस्टेंस है बॉटम साइड का और इधर का अप साइड का, तो इन दोनों को भी हम लिख सकते हैं 2e लिख सकते हैं। तो इसी को हमने ब्रीफली में लिखा हुआ 2 into a + e, और ये 24d की आप बात करिए, आप देखिए तो ये एक हुक लेंथ जो होता है वो 12d का होता है, तो यहाँ पे दो हुक लेंथ, एक ये हुआ और एक ये हुक लेंथ हुआ, तो 12d + 12d 24d है, यही चीज है। सिमिलरली ये 90 डिग्री के लिए है, तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, सेम ये भी वही है, ये 90 डिग्री का बैंड है 2 into a + e + 20d, यहाँ 135 का नहीं है तो यहाँ पे 20d लिया हुआ है। तो इस पेज को जाइए, आप स्टडी करिए प्रॉपर तरीके से। अब चलिए देखते हैं कैलकुलेशन पे। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक कंसिडर किया है स्क्वायर कॉलम ऑफ साइज 225 mm × 225 mm। तो देखिए 225 mm × 225 इसकी डायमेंशन दी हुई है, और डायमीटर ऑफ बार यूज फॉर स्टीरअप, जो हमने बार यूज की है उसका डायमीटर है स्टीरअप बनाने के लिए 8 mm है। ये जो पोर्शन हमारा है, ये है स्टीरअप, इसको बनाने के लिए हमने जो बार यूज की है वो 8 mm की है। तो देखिए, कॉन्क्रीट कवर है 25 mm, ये देखिए जो ये पोर्शन है, ये इस साइड से, इस साइड से, ये चारों साइड से हमने कॉन्क्रीट कवर प्रोवाइड किया 25 mm का। तो ये होप मैं समझ सकता हूँ कि इस पिक्चर के थ्रू आपका ये क्लियर हुआ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने इसको एक स्टेप्स में लिया, स्टेप वन, डिडक्ट द कॉन्क्रीट कवर, जो हमारा कॉन्क्रीट कवर है उसको हम डिडक्ट करेंगे। ए माना है मैंने, ए इज इक्वल टू 225, तो अगर 225 इस साइड से अगर मैं लेता हूँ, तो इधर का -25 करूंगा, इधर का -25 करूंगा, सिमिलरली वही क्यों कवर हटाया हूं, 225 - 25 - 25 = 175 mm जो है हमारा ए आया। अब मैं बी की बात करूं इस डायरेक्शन में, तो बी हमारा 225 है, अगर इधर का कवर मैं माइनस करता हूं 25, इधर से कवर माइनस करता हूं 25, तो देखिए 225 - 25 - 25 = 175 mm जो हमारा बी आया। ए इज इक्वल टू बी, यानी कि क्या है कि स्क्वायर है, तो इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, जब स्क्वायर होता है तो आप बचपन से जानते हैं सिमिलर चीज है कि स्क्वायर पोर्शन में सारी चीजें जो है इक्वल होती है, यानी कि चारों डायमेंशन जो है इक्वल होते हैं। अब फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टीरअप्स के, अगर मैंने ये लिखा, इस चीज को गौर करिएगा, प्रीवियस जो मैंने रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स में दिखाया था उसमें ये चीज नहीं लिया था मैंने, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टीरअप्स। इस मसले को प्रॉपर तरीके से आप समझिए, देखिए जो ये पोर्शन, ये पोर्शन, इसके सेंटर से अगर मैं मेजरमेंट लेता हूँ, इसके सेंटर से लेता हूँ, तो 8 mm का डाया बार अगर यूज कर रहा हूं मैं, तो ए के लिए, सपोज ए के लिए मैं कंसिडर किया इधर से, तो जो हमारा ये आया, अब ये तो निकलने के बाद हमारा इस साइड आया, देखिए 175 आया, तो इसके इसके सेंटर से इसके सेंटर पे मैं अगर लेता हूं, तो अगर मैं -4 इधर से करता हूं, -4 मैं हाफ ऑफ करता हूँ डाया बार जो हमने लिया 8 mm का, तो उसका -4 इधर से किए, इधर से -4 किए, दोनों साइड से जब -4 करेंगे, तो ए इज इक्वल टू 175 - 4 - 4 = 167 mm आंसर ये हमारा आएगा। ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आएगी स्टीरअप्स की, सेंटर टू सेंटर, इस पॉइंट को गौर करिए, सेंटर टू सेंटर, वहां आउटर टू आउटर मैंने लिया था, इसलिए बैंड लेंथ का जो है कि माइनस किया था, इसमें सेंटर टू सेंटर ले रहा हूं तो बैंड लेंथ
नहीं माइनस करूंगा इस पॉइंट को, आप नोट करिए, काफी क्लियरली इस पॉइंट को देखिए, गौर करिए। अब चलिए सिमिलरली बात करता हूँ बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे देखिए 175 आया। अब इसके सेंटर स्टीरअप से, इसके सेंटर के स्टीरअप से, इस पोर्शन से अगर मैं लेता हूँ तो इधर से भी -4, इधर से इस पोर्शन से भी -4, या -4 किया तो 175 -4 -4 इज इक्वल टू 167 mm आया। तो जब ये आ गया तो पैरामीटर ऑफ स्टीरअप मैं निकालूंगा कि ये पैरामीटर कितना आता है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आप सभी जानते होंगे 4a होता है, तो 4a इंटू 167 अगर मैं करता हूँ तो 668 mm हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब सेम चीज मैं बात करता हूँ हुक लेंथ। हुक लेंथ मीन्स देर आर टू हुक्स इन दिस स्टीरअप, हेंस द टोटल लेंथ ऑफ हुक इज 12d। मैंने ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने बताया था कि ये जो लेंथ होता है एक हुक का, ये 12d लेते हैं, तो दो हुक है इसमें, तो दोनों की लेंथ, एक ये 12d प्लस एक ये 12d, 24d हुआ ना हमारा। 12d प्लस 12d इज इक्वल टू 24d। अब कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स निकालेंगे, तो पैरामीटर प्लस हुक लेंथ। अब देखिए एक पॉइंट को क्लियरली तरीके से गौर करिएगा, जब मैंने रेक्टेंगुलर निकाला था तो पैरामीटर प्लस हुक लेंथ माइनस बैंड लेंथ मैंने किया था। क्यों किया था? रीजन ये था कि मैंने वहां पे सेंटर टू सेंटर नहीं लिया हुआ था। इस पॉइंट को गौर करिए, वहां सेंटर टू सेंटर मैंने नहीं लिया हुआ था, इसमें मैंने सेंटर टू सेंटर लिया हुआ है। तो कोड बुक के रिफरेंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, इसमें बैंड लेंथ का माइनस नहीं करेंगे, समझिए इस बात को, इसमें बैंड लेंथ का माइनस नहीं करेंगे। तो देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला हुआ 4 × 167 प्लस 24 × डी की अगर मैं बात करूं तो 8 mm डाया बार। जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो 860 mm में अगर आएगा, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर में तो 0.86 मीटर हमारा आएगा। इतने लेंथ की हमें रॉड कटवानी पड़ेगी स्क्वायर स्टीरअप बनाने के लिए। होप अब मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि दोनों का डिफरेंस आप समझ चुके होंगे कि अगर मैं सेंटर टू सेंटर लूंगा तो बैंड लेंथ का माइनस नहीं करेंगे, अगर सेंटर टू सेंटर नहीं लेंगे तो उसमें बैंड लेंथ का माइनस करेंगे। ये दोनों चीज मैंने आपको शो कर दिया, आप दोनों वीडियो देखिए, एक स्क्वायर स्टेप से देखिए, रेक्टेंगुलर स्टेप के देखिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर इनके बावजूद भी आपको कोई इशू होता है इन टॉपिक के रिगार्डिंग या कुछ भी, अगर फ्यूचर आप किसी पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए, तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, उसके थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियर्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम आपके लिए और मजेदार वीडियो लाएं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।